गाजीपुर में कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या में इजाफा हो रहा है तो मरीज ठीक भी हो रहे हैं। आज हम आपके लिए खास न्यूज को लेकर आए हैं, इस पूरे वीडियो को देखिए। हम आपको बताएंगे कि अब तक गाजीपुर जिले में कोरोना संक्रमण का क्या हाल है और इसके खिलाफ लड़ाई में क्या तैयारियां की गई हैं। कोरोना के बारे में पूरी जानकारी के लिए इस वीडियो को अंत तक देखें। पिछले 24 घंटे में गाजीपुर में कोरोना संक्रमण का सिर्फ एक नया मामला ही आया है। भदौरा प्रखंड के निरहू का पूरा गाँव का एक शख्स कोरोना पॉजिटिव पाया गया है। हालांकि खालिसपुर थाना नोनहरा के दो पॉजिटिव मरीज ठीक भी हो गए हैं। गाजीपुर जिले में शुरुआत से लेकर अब तक कुल 123 लोग कोरोना संक्रमित हो चुके हैं। इनमें ठीक हुए लोगों की संख्या अब तक 68 पहुंच गई है। इस हिसाब से देखें तो गाजीपुर में कुल एक्टिव केसों की संख्या अब 55 ही रह गई है। गाजीपुर जिले की बात करें तो कंटेनमेंट जोन की कुल संख्या 51 है। सबसे अधिक कंटेनमेंट जोन जखनिया तहसील है। जखनिया में कंटेनमेंट जोन की संख्या 14 है। इसके बाद सैदपुर तहसील है जहां कंटेनमेंट जोन 12 है। इसी तरह सदर तहसील में 9, कासिमाबाद तहसील में 6, मोहम्मदाबाद तहसील में 4 और सेवराई तहसील में 6 कंटेनमेंट जोन हैं। अच्छी खबर जमानिया तहसील की है जहां एक भी कंटेनमेंट जोन नहीं है। कोरोना संक्रमित मरीजों को देखते हुए गाजीपुर में कुल 760 स्पेशल बेड की व्यवस्था की गई है। रेलवे प्रशिक्षण केंद्र में 200 बेड हैं जहां 61 मरीज भर्ती हैं। इसी तरह L1 अटैच्ड कोविड सेंटर शहीद स्मारक राजकीय महाविद्यालय मोहम्मदाबाद में 150 बेड हैं, यहां 48 मरीज भर्ती हैं। गाजीपुर में अभी केवल इन्हीं दो जगहों पर मरीज एडमिट हैं। इसके अलावा L1 सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र मोहम्मदाबाद में 30, L1 सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र सादात में 30, L1 अटैच्ड कोविड केयर सेंटर MJRP स्कूल मोहम्मदाबाद में 125 बेड, L1 अटैच्ड कोविड सेंटर अष्ट शहीद इंटर कॉलेज मोहम्मदाबाद में 125 बेड और L1 अटैच्ड कोविड केयर सेंटर KSB आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज सादात में 100 अतिरिक्त बेड की व्यवस्था की गई है। यानी देखा जाए तो गाजीपुर में मिलने वाले मरीजों की तुलना में काफी संख्या में स्पेशल बेड मौजूद हैं। जिला प्रशासन की तैयारियों की कुल मोटा मोटी रिपोर्ट अभी यही निकलकर सामने आ रही है। इसके बावजूद हमारी टीम आपसे अपील करती है कि सावधानी बरतें, मास्क पहनें, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, अपनी इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए योग करें, आयुर्वेद के एक्सपर्ट्स द्वारा बताए गए काढ़ों का सेवन करें और गाजीपुर की ऐसी ही खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं।